ये क्या लगती है आपके? बेटी है मेरे। कुछ फर्क पड़े हो? नहीं फर्क, बेच सकती नहीं थी, बैठ सकती है बैठ सकती है, खाना खाए देने समझती डालते। मारवाड़ी में बोलो आप, थोड़ी भाषा में बोलो। पहला खाएगती नहीं थी, हमें खाए के हाल सकते है, यू भी करे खड़े बेच सकते है। दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले के आसोत्रा गांव में काली कंबल वाले बाबा जी का कैंप चल रहा है। 11 फरवरी को काली कंबल वाले बाबा जी इस गांव में आए और उसके बाद लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कई लोग वीडियो देखने के बाद कि बाबा जी आखिर किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। तो वो मैं आपको बाबा जी से बात करने के बाद में बताऊँगा, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनका नंबर कैसे लगता है, कितने कहाँ से आना पड़ता है। तो हमने आपको पहले बताया कि यहाँ आने का रास्ता कौन सा है और उसके बाद से यहाँ आने के बाद उनका नंबर कैसे लगता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं करीब करीब 4 से 5 हज़ार जो लोग हैं वो आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। अब 5 हज़ार लोग एक साथ आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि नंबर उनका आता आता आएगा। यहाँ ना तो कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही कोई टोकन काटा जाता है। अलग अलग जो यहाँ बनाए गए हैं बैरक बनाए गए हैं, आप देखिए ये पैरालिसिस वाले हैं, ये बच्चों जो बैठते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उस दूसरी तरफ सामान्य बीमारियों वाले बच्चे जो मरीज हैं वो हैं। और इस तरफ की अगर बात करूँ तो इस तरफ जो लोग हैं जिनका यहाँ कैंप को 5 दिन इन्होंने पूरा कर दिया है, सबसे खास बात है कि जो जिन लोगों ने 5 दिन पूरे किए हैं उनमें से कितने लोगों के फर्क पड़ा है, क्या बाबा जी वाकई में 5 दिन यहाँ पर फेरी देने वाले लोगों का इलाज करते हैं या फिर मामला कुछ और है। तो आज हम बाबा जी से नहीं इन लोगों से जानते हैं कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। गुड़िया बैठ जा बेटा, नीचे बैठ जा। आपका क्या नाम भाई साहब? भाई साहब से पूछ लो। कौन ये आपके साथ कौन आए? आप आए हो? हम दूसरे आदमी के जगह पे बैठे हैं। दूसरे आदमी की जगह के बैठे हैं, वो कहीं गए हैं हाँ। तो उनका नंबर लेके बैठे हैं। आप लोग का नाम बासा? मेरा नाम अरमान है। अरमान जी आप कटे आया हो? मैं किटनौर से आया। किटनौर की कराया आप? मेरे हाथ पर गोड़ा दुखे जन वास्ते आया। तो आज पांचवा दिन आप? आज पांचवा दिन। कहीं फर्क पड़े हो? नहीं पड़े, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़े। कितना रुपये में कितना पैया फर्क? चार ओनी फर्क पड़ी है। चार ओनी फर्क पड़ी है। कहीं करना पड़े अटे 5 दिन? अटे आवन पहले 4 दिन तो पहले लैंड में बैठा रिया, पांचवी दिन आज अटे आया हूँ लैंड में। अच्छा, पांचवी दिन। मैं और भी लोगों में बात करूँ अटे और लोग भी है जो कह रहे 5 दिन की न किरे भाई, 5 दिन किरे थारे हो गया, 5 दिन हो रहा है। मैं आऊँ आपका नाम? आप लोग का ही नाम भाई साहब? मेरा संतोष कटे हुआ है। संतोष आप चेलक जैसलमेर साइड? चेलक जैसलमेर हूँ आया हूँ। किन लेने आया थे? भाऊ और बच्चों है? बच्चों है। कहीं ओडो ही रहे? 18 साल है। पोलियो? पोलियो ओडो है। तो हमें कितना दिन आज 5 दिन पास, कहीं फर्क पड़े हो कि नहीं पड़े? थोड़ो सो है, पग बादरो हो गया। पग बादरो हो गया जैसलमेर? हाची हाची गया ईमानदारी ना? बस तो से थोड़ो सो है एन एडोट जा तो ऐसे रुपए पहला आया हो तो वो। अच्छा, भले की गई बाप जी। बीजू बाप के का पहला थी दवाई हवाई घणे लिए वाला? घणे लिए जे थी कई जे लेगी। तो कदे की फर्क पड़ियो? नहीं, एक एक ए वो नागौर गिरी रे मुठे खुले ए वो के गन गया था? ओ बूटा दी धाम। बाबा जी गया था? बाबा जी बूटा धाम है चतुर्भुज धाम है वो धाम। अच्छा, चतुर्भुज वो तो हमें ये तो फर्क पड़ियो। अच्छा, बाड़े और लोगों में बात करूं मैं। अटियो भाई साहब आप अटियो, आप रो काई नाम भाई साहब? सताराम कटे हुए। सताराम शेरगढ़ कहीं हुए बच्चे रे? बस ये कमजोर है पग। हम कहीं फर्क पड़ी वटा नहीं पड़ियो? फर्क तो देखो हैंगर पड़ी तो मारी पड़ी है जी। और 5 दिन होया कितना? 5 दिन होगा। कहीं थोड़ो घणो लागे तो ने रुपये में कितना पैया? हमें पैया में छोटी बसी है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़े? लागियो लागे नहीं लागे? बिल्कुल जो है वो कह देनो, साची बात कहनी, में कोई होंकेरी बात नहीं है, हकीकत होयो है तो कहनो, नहीं तो नहीं कहनो। हैंगर पड़ी तो मारी पड़ी जी। आप बताओ भाई साहब, आप रो कहीं नाम है? नगारा कटे हुआ है। नगाराम जी आप? माता सर भुटिया। माता सर भुटिया किन लेने आया थे? मैं बच्ची लेना है, मेरी बच्ची है। थोड़ी बच्ची है? कहीं बच्ची? बच्ची के एक हाथ और एक पग में फर्क हो? फर्क हो पहला? हाँ पहला। मैं अटक कितने दिन होया? इतना जालती वस्तु दूसरी को जालती? कितना दिन होया अटकाने? इतना आज 5 दिन। कहीं फर्क पड़ियो? मतलब बच्ची के कहने को, मेरे कहने को मन तो लगे। बच्ची बोल ले? हां बच्ची बोल। अच्छा बेटा, थारो काई नाम है? मेरा नाम कंचन है। कंचन? हां।
अच्छा आधार पग में हाथ में फर्क पड़े हुए ये तो बड़े सही सही बता ओ, 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 हाथ है आज होती उंगलियां पहला की करती पहला उंगलियां होती सेठी है उंगलियां हैंगे हमें हो हाथ के नहीं हाथ के फर्क लगे ना और पग में फर्क पड़े भाई पग तो मन नहीं हाथ की दूसरी जालन बस तू दूसरी जालन है फर्क लगे मन पहला हाथ बस तू बोतल पकड़ ले और पकड़ी तो कौन हमें बेटा पकड़ दो ऊपर कर बोतल मेरे सहयोगी से कहूंगा कि ये दिखाए ये बच्ची पहले हाथ में कुछ नहीं पकड़ सकती थी इसका हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था लेकिन अब यहाँ आने के बाद इसने बोतल पकड़ ली और खड़ी कर दी बोतल को पकड़ के ऊंचा मतलब साक्षात मैंने ये हकीकत है ना हकीकत है इसमें कोई फर्क नहीं जिसको और कुछ किसी को कुछ बोलना है अगर सही हुआ है कि नहीं हुआ है आप हाँ आप बोलना चाहेंगे आता हूँ मैं आपके पास आप बैठ जाओ मैं आपके पास बैठ जाओ भाई साहब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मैं वहीं आता हूँ रुक जाओ हाँ इधर देखो क्या नाम है आपका मेरा नाम पन्नाराम है जी पन्नाराम कहाँ से आए आप पाली डिस्ट्रिक्ट से खुटानी से खुटानी से किसको लेके आए आप हम इसको लेके आए अपने बच्चे को क्या हुआ था इस बच्चे को इसको ये मंद बुद्धि था अच्छा कुछ फर्क पड़ा है डेढ़ साल से हम हॉस्पिटल में रहे भर्ती रहेगा तैयार नहीं हुआ लेकिन अब ये हाथ था ना ये यूं था इसका ठीक है ना अब ये मतलब लगभग चारों हाथ पैर इनके सही है सही हो गए हाँ ईमानदारी से कह रहे हैं ईमानदारी से मैं झूठ नहीं बोलता मेरे घर के इसके फोटो भी पड़े हैं वीडियो बना रखा है मेरा ये हाथ है ना ये हाथ यूं था इसका अब ये चारों उंगलियों सही कर रहा है ये देखो बिल्कुल अच्छा बाप जी आप रुका ही नाम भाई साहब मारो नाम तेजाराम है तेजाराम मारे उम्र लई हूँ आयो हूँ गोडा काम नहीं करे कहीं कहीं फर्क पड़े वाटे नहीं पड़े अभी देखो थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं कहूँ आज पांचवा दिन हाँची हाँची बतावनी हो हाँ सही बता रहा हूँ मतलब थोड़ा दिमाग में चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और कोई लोग मैं जानना चाहूंगा मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा आप माँ कटे हुआ थे कटे हुआ लोहड़ियों की कर रहे मसो फर्क पड़े कहीं फर्क है फर्क पड़े बिल्कुल इधर आओ क्या नाम है आपका मेरा नाम सुरजा राम है कहाँ से आए हो आप खाटावास से क्या फर्क पड़ा है कुछ नहीं तीनों बच्चे पांच दिन से यहाँ कुछ फर्क नहीं तीनों बच्चे गूंगे बहरे थे अब बोलने लगे नहीं कुछ कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं तीनों का कोई नहीं पड़ा कोई नहीं पांच दिन पूरे हो गए पांच दिन पूरे हो गए कितने दिन पहली बार आए हैं पहली बार अच्छा और आप कौन बोलना चाहेगा नमस्ते आता हूँ मैं आपसे मिलता हूँ दो मिनट आप बताओ क्या नाम है आपका नेमा राम है सर कहाँ से आए नेमा राम जी पार्लो कहीं की कराया घुटनों की तकलीफ थी फर्क पड़े कहीं ठीक है सर ओडा हाज अभी क्या ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल और कोई बहन है मेरी बहन बैठी है यहाँ मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा अगर कोई आप बोलना चाहें कौन बोलेगा आप बोलोगे बहन क्या नाम है आपका बोल नहीं सकते किसके साथ आए हो भेड़ो कौन है आप हो ये आपकी क्या लगती है सिस्टर आपकी बहन है हाँ। ये बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती है कहाँ से आए आप बाड़मेर से आए तो कितने दिन हो गए यहाँ पाँचवा दिन आज तो इसके कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं थोड़ा बहुत कितने पाँचों दिनों थोड़ा बहुत पड़ा है ईमानदारी से बोलना झूठ मत बोलना नहीं। सही बोलना सही बोल रहे हैं हाँ। बिल्कुल और देखिए कुछ लोगों से मैंने जानने की कोशिश की है कुछ लोग कह रहे हैं फर्क पड़ा है कुछ लोगों के नहीं पड़ा है मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा लेकिन आप ईमानदारी से सच सच बोलना जिसके फर्क पड़ा है वो बोल देना नहीं पड़ा तो मना कर देना क्योंकि आप झूठ मत बोलना माताजी देख रहे हैं है ना सही सही बोलना ईमानदारी से बोलना नहीं बोलते तो। आप कदम आया कटे आज पांच दिन हो गया मोकर सर आया फर्क पड़े कहीं नहीं पड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा हाँ वो बोलते हो विकलांग विकलांग दो बच्चों लेने आ, दोनों मेरा है दोनों ही थोड़ा है तो कहीं गए बाबा जी इससे बाबा जी के पैर ही फर्क है आधा आधा मामला हो रहा है 50% लोग बोल रहे हैं कुछ फर्क पड़ा है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं पड़ा है क्या नाम है नमस्कार मेरा नाम खेताराम है खेताराम जी मैं निमंड से माडपुर से आया हूँ निमंड कैसे आया आप क्या मैं आपका वीडियो देख के आया हूँ अच्छा किसको लेकर आए हो मैं मेरे बसे को लेकर आया क्या हुआ था उनको उनके विकलांग एक पग हाथ में विकलांग है कितने दिन हो गए मैं आज शहर में आया कुछ फर्क पड़ा है थोड़ा फर्क पड़ा है थोड़ा फर्क पड़ा बड़ा बड़ा फर्क बिल्कुल थोड़ा फर्क पड़ा है आपको सुनने के लिए आया हूँ बिल्कुल बहुत धन्यवाद आप बिल्कुल 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 हाँ नमस्कार क्या नाम है आपका पूरा राम मासरा आप कहाँ से आए पूरा राम ओडू से आए ओडू से आए कुछ क्या कुछ हुआ है क्या बच्चा विकलांग है उसको लेकर आया हूँ कुछ फर्क पड़ा है कुछ आशा बंदी है सर आशा बंदी है हाँ जी बिल्कुल आप भाई बच्ची ने लेना आया एक बिगड़ बोले बने फर्क पड़ो है कटे बच्ची बा बच्ची बा बटे बोलने लगी बोलने नहीं लगी थी तो इस तरह से विश्वास से फर्क पड़ो है विश्वास में फर्क पड़े हुए आप भाई बाड़मेर से कहाँ बाड़मेर में कहाँ से जैन गढ़ा क्या हुआ कैसे आए बोलता नहीं है फर्क पड़ा कुछ नहीं दो दिन हुए अभी तक तो अभी दो दिन ही हुए हैं कुछ और लोग भी हैं
तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ा है, किसी के छोटी बीमारियाँ थी वो सही हुई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे कुछ नहीं हुआ है। और भी हम देखेंगे, और आप देखिए यहाँ बेचारे जो मरीज़ हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और बाबा जी अभी सुबह से वहाँ आए, बिल्कुल हम आते हैं वहाँ, आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए एक मिनट। बोड़ा जालौर से आई है, ये क्या लगती है आपके? बेटी है मेरे। कुछ फर्क पड़े हो? नहीं फर्क, बैठ सकती नहीं थी, बैठ सकती है हमें आल सकते है, बैठ सकती है, खाना खाए देने समझती डालते। मारवाड़ी में बोलो आप, थोड़ी भाषा में बोलो। पहला खाएगती नहीं थी, हमें खाए के आल सकते है, यू भी करे, खड़े बैठ सकते है, बैठ सकते है। कितना दिन रो फेरी दिया? तीसरा कैंप आई। आप देखिए, अगर ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता ये बहन सच्ची बोल रही है, इसने कसम खाया है, मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ कि ये सच बोल रही है, लेकिन ये कह रही है कि मेरी बच्ची, आप तमाम लोग देखिए, ये कह रही है कि मेरी बच्ची बैठ भी नहीं सकती थी और आज ये खड़ी होकर चलने जैसी हो गई है, तीसरे कैंप में ये आई है। क्या कहना चाहोगी बाबा जी के बारे में? बाबा जी मेरे ठीक करी आए, एक तो गए थे एम पालड़ी, दूजा क्वारिया गांव, तीसरा कैंप ये। बाबा जी ने कहीं कहना चाहे भाई? बाबा जी मेरे ठीक करी आए, ठीक करी आए, धन्यवाद दे बाबा जी। बिल्कुल भाई, बाबा जी को धन्यवाद दे रही है। और भी लोग कोई आप में से कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें, जिसके नहीं हुआ है वो कौन है, जिनके 5 दिन फर्क आए? और हाँ, ये 5 दिन आया हुए है, सब चीज कर लिया, हवन उवन सब चीज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा जी, न उठा के खा रहे हैं न चल पा रहे। अच्छा, आप क्या लेके आए भाई जी? बच्चे के ये रमेश नाम करके हुआ है ना लड़का, ये बोलता नहीं है, इसीलिए यहाँ फर्क पड़ा है कुछ, थोड़ा बहुत, कल आए हम तो, कल आए हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ा बहुत फर्क है, हमारा गांव सांझटा है, सरली सांझटा, सांझटा से आए हैं। हाँ बिल्कुल, सांझटा से ये भाई साहब आए हैं। अब मैं कुछ और लोगों के साथ बातें करूंगा, लेकिन वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ जो तमाम लोग थे इनसे हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है, जिसमें आपने देखा कि कुछ लोग तो मना कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग सही भी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ आने के बाद अगर 5% भी लोग सही होते हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसा इस बहन ने बताया कि मेरी बच्ची बैठ नहीं सकती, 3 कैंप आने के बाद। अच्छा, कोई दवाइयाँ वगैरह दी थी क्या इसको? दवाई अहमदाबाद की दवाई चालू थी, भोपाई बीजा सब कुछ, कोई नहीं रहा। कैंप आने के बाद में दवाई चालू रखी नहीं, बंद कर दी? ना, दवाई चालू थी, आज भी चालू है, आज भी। तो दवाई में फर्क पड़े तो कहीं था? दवाई तो अन्य आज 5 साल थी दवाई चालू है, 5 साल थी। हाँ, अच्छा, उन्हें लागे कैंप में सही हुई, कैंप में सही हुआ। बिल्कुल, ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, फिर हम कुछ और लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।